अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म रंग की शूटिंग पूरी होने के बाद डबिंग भी पूरी कर ली गई है। अरविंद अकेला कल्लू ने हमसे बात करते हुए फिल्म से संबंधित कुछ बातें शेयर की जो आप भी सुन सकते हैं। सबसे पहले अपन सब भोजपुरी श्रोतागण दर्शक लोग के अंबागर प्रणाम करते हैं और आज हम अपन फिल्म रंग के डबिंग कम्प्लीट करनी है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बता रहे हैं कि हम नया फिल्म रंग के डबिंग करेंगे बार क्योंकि बहुत ही अच्छा खूबसूरत फिल्म बनल बा और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में एक टीजर और ट्रेलर रिलीज कर दें तो आप लोग के भी बहुत पसंद आए, उम्मीद बाकी बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं कहना चाहूँगी मेरी डबिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छी फिल्म है और पोस्टर से तो आपको पता चल ही जाएगी कि कैसी फिल्म है और हमारी जोड़ी अच्छी भी लगी है। दोनों लोग के रंग चढ़ा हुआ है, देखिए पोस्टर में कितना प्यारा पोस्टर है और जब फर्स्ट लुक जारी हुआ मैंने फेसबुक पे शेयर किया तो सभी लोगों ने तारीफ किया, हमारे इंडस्ट्री से लेकर पब्लिकली सब लोगों ने तारीफ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप लोग पोस्टर देख रहे हैं इससे भी बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है तो हमारे जितना भी ऑडियंस लोग बालक सब लोग से निहरा करब कि जब भी हमारी फिल्म रिलीज हुई आप लोग अपना पूरा परिवार के साथ जाके सिनेमा हॉल में जरूर देखा, लोग थोड़ा भी बलग्रिटी लिखे थोड़ा भी अश्लील लिखे थोड़ा भी लास्ट शर्म ये करके अपना पूरा परिवार के साथ जाके जरूर देखें लोग। काफी रोमांटिक फिल्म है ये और हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं फिल्म में, ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी रही है बहुत अच्छी और काफी खूबसूरत फिल्म है ये, बहुत अच्छी है। किरदार के बारे में हम आप लोगों मैंने पहले ही बोला था कि रंग के लिए कुछ सस्पेंस है तो आप लोगों जब ट्रेलर और टीजर रिलीज हुआ तो ही मालूम चलेगा। हाँ लुक आप लोगों ने देखा, पहली बार मैंने मुंह रखा इस फिल्म में तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, रितिका जी के साथ मैंने भी पहली बार काम किया तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, थैंक यू, बहुत मजा आया और डांसर्स तो गाना तो रिलीज हुआ तब मालूम चलेगा, गाने बहुत अच्छे हैं, एक्शन क्या बोले हीरा मैं। इस फिल्म के डायरेक्टर पुरुषों बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बलकार सिंह बाली जी जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं और बहुत मज़ा उनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने काम किया रंग में और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, जब उन्होंने मेरे को कॉल किया था तो ऐसा ऐसा स्टोरी सुनाया तो स्टोरी मेरे को बहुत पसंद आई थी तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और वो कोरियोग्राफर भी ये पहले के कोरियोग्राफर हैं तो हमारे गाने की शूटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने और खास करके वो एक्टर भी हैं तो एक्टिंग बहुत उन्होंने सिखाया और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं दीपक सर, जब भी सेट पर रहते तो ऐसा लगता नहीं कि प्रोड्यूसर एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं और जब भी सेट पर रहते हैं तो हम लोग का जो मनोबल बढ़ा रहता है हिम्मत देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा और कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो चाहिए फिल्म के लिए वो करते हैं और आगे भी हम लोग बहुत जल्द सर के साथ काम करने वाले हैं तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि एक फिल्म की और सेकंड फिल्म की बातचीत चालू है, अब उसमें मैं हूँ कि नहीं हूँ ये सस्पेंस है लेकिन हाँ जारी है तो अब मैं चाहूँगा कि रितिका जी बताएं। बाली जी के साथ में भी मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है और बहुत कूल रहते सेट पे, मतलब किसी को दिखाते नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ या कुछ हूँ, ना चिल्लाते हैं, गलतियाँ भी की एक दूसरे कभी चिल्लाया नहीं कुछ नहीं, एकदम आराम से काम कराते हैं और काफी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। हमारे सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं? हाँ, दीपक जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है और आई होप आगे करती रहूँ, काफी अच्छा लगा, काफी सेट पर भी अच्छा लगता है हमें, मतलब लगते नहीं कि वो प्रोड्यूसर हैं ऐसा बिल्कुल भी, मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देते, काफी अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। बात करें डांसिंग को लेकर के आप और कल्लू जी ने डांस में कितना एंजॉय किया, कितना एक दूसरे को बताया सिखाया? सब गाने में एंजॉय किया हमने, मैंने रितिका जी से बहुत कुछ सीखा। मैंने इनसे सीखा एक्चुअली, मुझे तो इतना अच्छा डांस करना भी नहीं आता, पर एक होता ना आपका मतलब आर्टिस्ट सामने वाला सपोर्ट कितना करता है, दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, ट्यूनिंग बहुत अच्छा था, जो स्टेप सर आगे से सिखा देते हम लोग फटाक से फटाफट करते थे तो बहुत अच्छा लगा डांसिंग। और उस फिल्म में डांसिंग गाने बहुत है, बहुत स्पेशल आप लोगों को देखने को मिलेगा हम दोनों का, जैसी हमारी ऑडियंस चाहती है बिल्कुल, तो ऐसा भी है, फिर एक रोमांटिक लव सॉन्ग है, फिर मतलब हर टाइप के रंग का छेड़छाड़ वाला गाना है, सब गाने इसका सेट टाइप के रोमांटिक भी है हर चीज। कल्लू जी आज आपने इस फिल्म का डबिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा लगा। मैं जब पहली बार इसका मतलब टीजर और ट्रेलर देखा, फिल्म देखी, तो अपन चीज़ तो सबके अच्छा लगेगा लेकिन पहली बार हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारा विश्वास ना होता कि हम ही अकेले बनी लुक देखने, तो मतलब इतना उम्मीद ना रहे कि इतना अच्छा लगे। इस फिल्म का पहले से ही जो दीपक सर है हमारे, चाहे बाली सर है, दोनों लोगों ने बोला था कि इस फिल्म में कुछ हट के लुक देना है, तो हमारे तो वो बड़े बड़े बाल अपन जो रहे पहले के, लेकिन इस फिल्म में मुझ जो उन्होंने रखा है आप लोग को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा डबिंग कंप्लीट करके और साथ में इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सभी आर्टिस्ट जितने लोग हैं, मैं स्पेशली सबके लिए बोलूँगा, सब लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया तभी हमारी ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है। तो रंग के सभी टीम मेंबर्स को सबको धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग के साथ काम करते रहिए, तो इससे भी अच्छी अच्छी फिल्में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी। मेरी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, कल्लू जी की डबिंग थी आज, मैं गई थी वहाँ पर, तो आज लास्ट डे उनका ही था, तो काफी अच्छी फिल्म है, सबको पसंद आएगी, ऑडियंस को पसंद आएगी, हमने तो बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, तो मेहनत कर रंग रंग दिखेगा। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बस ये कहा कि बहुत जल्द एक कर गाना और ट्रेलर रिलीज होके वाला था, तो जल्दी आप लोगों को देखे के मिली, और जब भी हमारी फिल्म रिलीज हुई रंग जरूर देखिए। हाँ, तो रंग आप लोगों को भी चढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हमें पे रंग चढ़ गया, रंग आप लोगों को भी चढ़ेगा। तो जितने भी हमारे ऑडियंस, जितना भी हमारे भोजपुरी श्रोतागण, दर्शक, हमारे भैया, चाचा, माई, बहन, जितना लोग वालों, सब लोग जरूर देखा लोग हमारे फिल्म रंग। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।